नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायवीयाणं नमो वज्जायाय नमो लोये सव्यसा मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंजकुंदाद्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते शिष्यभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छदे जिनकी विमल उपदेश में सब की उदय की बात है समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है जिसने बताया जगत को प्रत्येक क्षण स्वाधीन है करता न हरता कोई है अणुअणु स्वयं में लीन है आत्मा बने पर मारे माँ हो शांति सा ए देश में ए देश ना सर्वोदय वीर की संदेश में शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का अभिनंदन वंदन करके इस ग्रंथादिराज का प्रारंभ हुआ है। बड़े पंडित जी ने एक बार पूछा कि नमः श्री वर्धमानाय तो नमः समय साराय में क्या समय सार जी में लिखा नमः समय सारा और यहाँ लिखा नमः श्री वर्धमान क्या अंतर। तो उन्होंने कहा एक जगह कार्य परमात्मा की चर्चा है और एक जगह कारण परमात्मा समय सार कारण परमात्मा और वर्धमान कार्य परमात्मा। ये परमात्मा बड़ा है कि आत्मा बड़ा नदी बड़ी है कि लहर बड़ी सूरज बड़ा है कि किरण बड़ी है आत्मा बड़ा है कि परमात्मा। तो कोई से भी पूछोगे कि भाई सूर्य बहुत बड़ी चीज है किरण तो बहुत आंसर समुद्र बहुत बड़ी चीज है लहर तो छोटी सी चीज ऐसे अब आत्मा में लगाना आत्मा बड़ा है कि परमात्मा। तो परमात्मा दशा प्रकट कहां से हुई कि स्वभाव ही परमात्मा। यदि केवल ज्ञान सर्वज्ञ दशा प्रकट हुई ये वर्धमान स्वामी का विशेषण था सालू का नाम त्रिलोक का नाम यद विद्या दर्पणाय थी दर्पण की तरह निर्विकारी आपका केवल ज्ञान जिस सालू का नाम लोका अलोक सबको एक क्षण में जान अद्भुत चमत्कार प्रकट हुआ। बात ये प्रकट हुई और ऐसी वंदना भी अपन करते आए वंदितु सब सिद्धि यहाँ नमः श्री वर्धमान लिखा वहां सब सिद्धों को नमस्कार पर अमृत चंद्र देव को लगा अभी इसका नमस्कार अधूरा
यदि ये बंदित तू शब्द सिद्ध कह रहा है पर इसे दिख नहीं रहा, क्योंकि जब तक इसे समय सार नहीं दिखेगा तब तक सिद्ध दशा प्रकट कहां से हुई ये नहीं समझ में आया, इसलिए गुरुदेव को आना पड़ा इस शुद्धात्मा बताने कि तुझे पंच परमेष्ठी की भक्ति तो आती है, पंच परमेष्ठी किसकी भक्ति करते हैं। अष्टपाद में लिखा कि हम जिनका स्तवन करते हैं वे किसका स्तवन, हम जिनकी पूजन करते हैं वे किनकी पूजन करते, हम जिनका यशो गान गाते हैं वे किसका यशो गान गाते। मोक्ष पावन में अरे हंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठी पण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सर। ये पंच परमेष्ठी किसके आश्रय से प्रकट हुई जैसा कि आत्मा ही उसकी खान, आत्मा ही मंगलमय, आत्मा ही ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा समझते हैं ना, तब तो हमें अपन भगवान की पूजन कर रहे हैं। तो पूजन का भाव नहीं आए तो समझ जाना रूख जीव, अभी इसे सरसता नहीं आई, यानी इसे लगते ही नहीं कि भगवान दशा प्रकट करनी हो। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ऐसे भाव नहीं आए तो उसे तो दर्शन करने की भी अकल नहीं, उसे किसके दर्शन करने जा रहा, अरे भगवान के, कैसे हमारे भगवान भीतरागी सर्वग अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के एक परमाणु के स्वामी, नहीं बनते तो तीन लोक के नाथ बन जाते। सर्वज्ञता प्रकट हुई है इसका अर्थ है कि ये जीव सर्वज्ञ स्वभाव है, तो भगवान को देख के दीन तक कब नहीं आएगी, जब मुझे ये पता चल गया कि जिसके बल से भगवान हुए वो तत्व तो मेरे पास, तो ये बहुत बड़ा लाभ ये अपन को हो गया। क्या हो गया, पहले कैसी भक्ति करती थी, दीन वयो प्रभु पद जपे मुकति कहाँ आते हो। समझ में आ रहा भाई, ये दुःशब्द आए थे इसलिए अपन को आज उत्तम क्षमा पे समझना। अभी तो अपन ने मंगलाचरण पर कि हमने किसके नमस्कार किया, भगवान वर्धमान स्वामी, ये कौन है, अपने शासन नायक जिनका अभी तीर्थ चल रहा, कितने काल तक चलेगा इनका तीर्थ, 84,000 वर्ष, जब तक नए तीर्थंकर ना आ जाए तब तक भगवान महावीर का ही शासन प्रवर्तक, शासन यानी इनकी देशना जो प्रकट हुई थी ना वो ही निमित्त बनती, भले कभी कोई आचार्य कुंदकुंदेव आ जाए चाहे स्वामी जी आ जाए, पर शासन भगवान महावीर का चल, नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है कि महावीर स्वामी, महावीर भगवान का चल, उस शासन से ही जीव कल्याण को प्राप्त होंगे। तो बहुत बड़ी बात अपन ने अभी समझी, अभी अब उत्तम क्षमा के बारे में समझ, अपना आज का दिवस है उत्तम क्षमा दिवस, अभी उत्तम क्षमा मुनीश्वरों के प्रकट होती, विशेष प्रकट तो प्रारंभ होती चौथे गुरुस्थान, चौथे गुरुस्थान में नहीं होती, आत्मा में होती, बताता चौथा गुरुस्थान होती कहाँ है, आत्मा में, दशा किसकी है, आत्मा की। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सर। देखो कितना परिवर्तन हुआ गुरुदेव के अंदर, हमें क्षमा धर्म के दिन हम सिर्फ क्षमा के गीत गाते, तो गुरुदेव के आने से क्या अंतर आया, ऐसा क्षमा स्वभावी आत्मा जिसको रुठ जाता है उसकी परिणति में क्षमा, उसकी परिणति में क्रोध गायब हो जाता है, जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार चला जाता है, ऐसे ही जैसे ये विश्वास होता है कि मैं आत्मा हूं उसके क्रोधा क्रोधादि भाव उत्पन्न नहीं। तो ये दूसरी गाथा पढ़ते अपन, तीसरी पढ़ते फिर उत्तम क्षमा की बात, इसी की दूसरी गाथा है प्रारंभ। दिशियामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवरेणम् संसार दुःखतः सत्त्वान्
यो धरस्तोत्तमी सुखी। समंत भद्रदेव कहते हैं दीस्यामी समीचीनम, दीस्यामी यानी कहता हूँ, समीचीन यानी सत्यार्थ धर्म को, धर्मम कैसा होता है धर्म, कर्म निवरणम जिससे कर्म का आश्रय हो से धर्म नहीं जानना, धर्म से तो कर्म का निर्वर्तन होता है, नष्ट होते दूर होते, ऐसा कौन सा धर्म है, संसार दुख तत्वान यो धरत उत्तमी सुखी, जो धर्म उत्तम अविनाशी अतीन्द्रिय आत्मोत्पन्न अपूर अद्भुत सुख को प्रकट कराए उसे जिनेन्द्र देव के शासन में धर्म का। धर्म किसे कहते हैं, जो संसार के दुखों से निकालकर उत्तम अविनाशी सुख को प्राप्त कराए उसे धर्म कहते हैं। बोलना सब लोग, जो संसार के दुखों से निकालकर उत्तम अतीन्द्रिय पंचम गति के सुख को प्राप्त कराए उसे धर्म। ये धर्म की परिभाषा, जगत किसे धर्म मान, स्वर्ग जाने का रास्ता, धन वैभव बढ़ाने का रास्ता। देखो ये सब बातें किसकी अच्छी लगेंगी, जैसे प्रश्न उत्पन्न होने लगेंगे, कौन सी प्रश्न, मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसलिए का विचार विवेक पू शांत हो कर कीजिए, तो सर्वे आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसे धर्म कथा अच्छी लगेगी, जिसे प्रश्न उठने लगे मैं भी कौन हूं, ये बज्रनाभ चक्रवर्ती तो भगवान बन गए, मेरा क्या हो, तो भगवान की देशना में आएगा, अरे तू भी भगवान, तू भी भगवान बन सकता है, शक्ति से भगवान है और पर्याय में भगवान बन सकता है। ये बात सुनने सिर्फ जिनेन्द्र देव के शासन में, सिर्फ भगवान जिनेन्द्र के ही शासन में ये पवित्र बात निकलती। तो अभी देखना धर्म की परिभाषा, पेज नंबर है इसमें हमारे में दो, भावार्थ में संसार में धर्म ऐसा नाम तो सारा जगत कहता, लोग कहता, परंतु धर्म का अर्थ है जो नरक त्रियंश आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मी अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे यानी धारण करा दे उसे धर्म कहते हैं। इसे कहते हैं धर्म, जो धर्मी के आश्रय से प्रकट होता उसे धर्म, धर्मी आनंदमयी है तो प्रकट होने वाला परिणाम भी आनंद देता हो, धर्म प्रकट हो और दुखी हो, जैनी हो तो दुखी ना ही, दुखी हो तो जैनी ना ही, जैनी दुखी क्यों होगा, उसे तो वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई, होता स्वयं जगत परिणाम, कोई भी जग का क्या करता काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, किसी मंत्र मिले अपन को कैसे दुखी हो, हमारा मोक्ष सुनिश्चित कैसे दुखी होंगे, भगवान बनेगा। नवीन भाई उसमें लिखा ज्ञानानंद श्राव का चार में, कभी मुनि के दर्शन नहीं किए, एक व्यक्ति पहली बार मुनीश्वर के दर्शन और दर्शन किए, और मुनि राज तो निरंतर अपने को आत्मा देखते, तो सामने वाले को देख के भद्र देखे, तू भगवान, ऐसे एकदम से मुनि राज की मौत से, नवीन भाई तू भगवान, ये क्या बात, मैं तो गृहस्थ हूं, श्रावक हूं, जैन हूं, घर गृहस्थी वाला हूं, ये मुझे भगवान क्यों कहते, ज्ञानानंद श्राव का जी, परंतु ये इनको किसी से स्वार्थ तो है, और ये दिखते तो बहुत शांत है, और ये भगवान कह रहे, अरे
ये अपने को भगवान देखते हैं और भगवान देखने वाले की ऐसी आंख खुल जाती है कि सामने वाला ही भगवान है ये बता सकते, अरे मैं भगवान ले उसी समय दर्शन। अपन इतने दिन से समय सार पढ़ रहे थे और सब भगवान ये भगवान पना मानने का धर्म है, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क का धर्म नहीं है कि बहुत बड़ी पढ़ाई करो। उस विभूति मुनिराज ने कितनी पढ़ाई की, नवोकार मंत्र भी 6 महीने में याद नहीं होते, नवोकार मंत्र भी, और इतना सा मंत्र याद था उन्हें। तुष्मासम घोषंतु, छिलका भिन्न है और दाल भिन्न, बाबूजी ने भी इतनी लिखा है, देह जीव को भिन्न भिन्न देख ले, बाकी ज्ञान तिजोरी में बंद कर दे, इतना सा मार्ग और मार्ग का फल है, ये कार्य जल्दी से कर, ऐसा लिखो। धर्म किसे कहते हैं जो अपने आराधना में लगा दे, जिससे हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो, जिससे हमारा भूत उतर जाए करने का, भोगने का, बहिर्मुक्ता का, उसे कहते धर्म। आत्मा में भव नहीं है तो आत्मा की आराधना वाले को भव नहीं हो, आत्मा आनंद की मूर्ति है तो आत्मा को देखते ही आनंद, जैसे अपन भगवान को देखते तो प्रसन्नता होती, क्यों होती है, क्योंकि वे खुद ही प्रसन्न है अपने आप, तो प्रसन्न व्यक्ति को देख के प्रसन्नता। ऐसे धर्म की परिभाषा लिखी और बाद में गजब की बातें लिखी, इसलिए पढ़ रही, ऐसा धर्म मूल नहीं आवे, यानी तुम बोली लेके सौधर्मेंद्र बन सकते हो पर सौधर्मेंद्र जैसे भाव पैसे में नहीं आ पाए। डॉक्टर भालेल ने बताया कि एक जगह एक हाथी कम आया, 16 देव और 15 हाथी, अब एक देव से कहा कि एक इंद्र को अपने साथ बैठा लो, तो बोले मेरे बेटे कहाँ बैठेंगे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया मैंने तो ये पढ़ा था कि इंद्र की संतान नहीं होती, तो तुम्हें अभी नकल करना भी नहीं आता, नाटक करना भी नहीं, जैसे 10 लक्षण पर्व है कुछ भी खा रहा पी रहा, तो ये तुझे नाटक भी करना नहीं आता, यानी चरणानुयोग भी नहीं समझ में आता, ये तो कोई देख के कहे कि ये जीव जैनी हो, इनके पर्व चल, किसी भी पानी बहाता जाता किसी भी तरह से यदवत तद्वत जीवन। ये कह रहे तुझे पैसे में करोड़ों रुपए दान देने में धर्म नहीं होगा, बोली लगाने में कि मैंने बहुत बड़े बड़े पद लिए हैं इसलिए कुछ मिथ्या पिघल जाता। स्वामी जी 3 लाइनें बोलते थे, पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री के त्याग से भी मिथ्या खिलता नहीं, पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री के त्याग से मिथ्या को कोई संबंध नहीं कि वो डर जाए, दर्शन मोहिनी हिलता भी। पुण्य के उदय में प्राप्त सामग्री का त्याग बताया था, अब सदुपयोग करे तो भी उससे दर्शन मोहिनी का कोई संबंध, दो बात। और तीसरा बिंदु गुरुदेव कहते थे, पुण्य के उदय में प्राप्त क्षयोपशम से बहुत ज्यादा जानने लगे, पंडित बन जाए तो सारी दुनिया में ख्याति हो जाए, इससे दर्शन मोहिनी को आंच भी नहीं है, धक्का भी नहीं। दर्शन मोहिनी को सिर्फ डर लगता है तो तत्व विचार वाली चीज, जिसे जरूरत है आत्मा की, वो भूखा है, जिसे समझ में आता है कि अब मेरा संसार में किसी से कोई लाभ हानि नहीं है, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना, ये आत्मा चीज, मैं कौन हूं, आया कहां से, ये प्रश्न उठने लगे, समझ लेना इसके दिन फिरने वाले, ये समय सार को प्राप्त करके सिद्ध दशा प्राप्त। अभी देखो, धर्म मूल ना ही आवे है, जो धन खर्च के दान सन्मादि द्वारा ग्रहण कर ले, किसी का दिया हुआ भी नहीं मिलता है, यानी किसी ने आशीर्वाद दिया तो वहां से खसक के तुम्हारे पास उनका धर्म आ जाए तो फिर वो खाली हो जाए, ये धर्म कोई दे भी नहीं सकता। स्वामी जी कहते थे, यदि तेरा धर्म मंदिर में होगा, सुनना जरा अच्छे से, यदि तेरा धर्म मंदिर में होगा तो मंदिर छोड़ते ही तेरा धर्म छूट जाए, सोचना जरा कितना सोचते थे स्वामी, तेरा धर्म पढ़ने में होगा तो पुस्तक छोड़ते ही तेरा धर्म चालू खत्म हो जाएगा। धर्म तो धर्मी की रुचि का नाम, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, तीसरी गात, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदो,
यदीय प्रत्यनीकानी भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसी धर्म पौनिका धर्मेश्वरा विदुः, जो धर्म के ईश्वर गणधराजि भगवान उनने किसी धर्म का वैसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और अपन ने सुन लिया और चले गए, बहुत अच्छा धर्म हो गया। ऐसे धर्म नहीं होता। सम्यक दर्शन यानी आत्म दर्शन, ये तो सम्यक दर्शन शास्त्रीय शब्द है, इससे तो ऐसी बोलना तो हम सबको आ गया है, पर वो आत्मा तो दूरी रहा। मुक्ति का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मुक्ति, यानी अपना आत्मा है ही। अरे मुक्ति की बात है, आए तो समझ लेना कि मेरी कथा चल, भगवान मुझे आत्मा कह रहे, आत्मा दिखाना चाहे, मूल ना ही अबे खर्च करके पैसे से सम्मान आदि से नहीं मिले, सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए, नहीं मिले। मंदिर में धर्म नहीं, पर्वत में जन्म नहीं, जल में, पर्वत में नहीं, यानी नंदीश्वर पर्वत में भी धर्म नहीं होगा, सुमेर पर्वत पे भी धर्म नहीं होगा, विजयाल पर्वत पे भी धर्म नहीं होगा, मंदिर में भी यानी अकीर्तन चैत्यालय में भी, कीर्तन चैत्यालय में भी धर्म नहीं होगा। सुनो तो, ये रत्नकंठ श्राव का चार है, ये पहली ये बातें बता दी, फिर उनने आचरण बताया। असली धर्म समझ लो, नहीं तो तुम कहीं भी प्रवृत्ति बताएंगे तुम हाँ पाड़ो, मैं धर्म आत्मा। उपवास करके देव मूर्ति तीर्थ क्षेत्र आदि में धर्म नहीं रखा है, उपवास में धर्म नहीं, व्रत में काय क्लेश आदि तब से भी धर्म नहीं मिलता, शरीर को सुखा देने से भी धर्म नहीं मिलता, देवादि के मंदिर में उपकरण दान मंडल पूजन आदि करके घर छोड़ के वन स्मशान आदि में निवास करने से, परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से भी धर्म नहीं। इतनी बात चरणान योग की जो लिखी जाती है, इसमें लगना, मंदिर बनवाना, पूजन करना, ये सब लगाया जाता है, क्योंकि अशुभ से निकालने वाला कौन है? ये चरणानुयुक्त स्वाध्याय करना चाहिए, छह आवश्यक पालना चाहिए, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेती, गृहस्थानाम, सठ कर्माणी, ये प्रतिदिन के आवश्यक। और यहाँ क्या कह रहे हैं? चरणानुयुक्त का ग्रंथ, और इसमें आचरण की बात, में धर्म में न रुक जाओ तुम, इसलिए सावधान। अब कहाँ है धर्म? क्या हुआ इंदौर में बाबू भाई के प्रवचन, और गुवाहाटी से एक व्यक्ति आया था और सुन रखा था कि ये कांजी स्वामी नया नया धर्म बताते और इनका शिष्टाचार, तो उन्होंने लिखना चालू, मंदिर में धर्म नहीं कि लिखो पकड़ो, ये बिल्कुल व्यक्ति यही नया धर्म वाला ही, पूजा में धर्म नहीं, दान में धर्म नहीं, उपवास सब लिख लिया। अब नीचे की लाइन जब बोली तो जितनी लिखी थी लिस्ट वो सब फाड़ नीचे लिखे, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, देखो धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, उसी का अनुभव ज्ञान और उसी में आचरण, इसे धर्म कहते हैं। बेला क्या कहा? धर्म, धर्म तो सबसे पहले वो वस्तु बताई कि धर्म करना चाहते तो कहाँ करोगे, है आत्मा की रुचि, आत्मा का स्वरूप समझो, ये पहली शर्त रख। धर्म तो आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव यानी आत्मा बाजार में है कि समय सार में, ये लगते ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा यानी होता है मैं। बहु भाई आए जबलपुर तो वो पढ़ाते थे, आई यानी मैं, मैडम ने पढ़ाया आई यानी मैं, तो बच्ची ने देखा कि मैडम बार बार ऐसे कहती है आई यानी मैं, आई यानी मैं, आई यानी मैं, तो वो बच्चा भी बोलने जब स्कूल से निकला आई यानी मैडम, आई यानी मैडम, आई यानी मैडम, तो मम्मी ने दो चांटा मारे कि आई यानी मैं, तो अभी तो स्कूल में मैडम कह रही थी आई यानी मैं, अब मम्मी कहती आई, तो अब बोलने लगा आई यानी मम्मी, आई यानी मम्मी, आई यानी मम्मी, फिर इतने में पापा आए तो फिर दो चांटा गली कि आई यानी मैं, अब तो आप कैसे समझाए उसे। ऐसे इसमें लिखा कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव, अपन ने पढ़ा ले कोई आत्मा होता होगा और उसका स्वभाव होता होगा, ये अपनापन नहीं आ रहा, इसका नाम संसार है,
अपनी चीज अपनी नहीं लग रही, कितना समझ लो इस काल में बरसात करके चलेगा गुरुदेव, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। एक प्रवचन में 50 बार आता भगवान आत्मा, ये चालू करके पर बाद में अन्य बात पुद्गल की भी चर्चा करेंगे तो कैसा लिखेंगे, पुद्गल की भी चर्चा स्वामी जी कैसे करते थे, अरे जिस आत्मा का ज्ञान स्वभाव जिसमें नहीं है ऐसा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला आत्मा को पहले खड़ा, और आचार्यों ने किया अजीव कहा उसे, यानी वो पुद्गल आदि कहते हुए पहले कहते अजीव, यानी ये जीव इसमें नहीं है, यानी जीव के पीछे पड़ना छूटते ही नहीं। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का सिद्धांत करना, अनुभव करना, ज्ञायिक स्वभाव में ही परिवर्तन करना, इसका आचरण है ऐसा धर्म। अब उस धर्म के नाम लिए ऐसे धर्म जब उत्तम समाधि दस लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नात्रय रूप जीवों की दया रूप आत्मा की परिणति होगी, तब आत्मा अपने आप ही धर्म रूप होगा। तब क्या होगा, पर द्रव्य चेत कालादि तो जो निमित्त मात्र है, जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग भाव हुआ दिखाई देता है, तब मंदिर प्रतिमा तीर्थ दान तप जब समस्त ही धर्म रूप है, तो जितना ऊपर लिखा था इसमें धर्म नहीं धर्म नहीं धर्म नहीं, ये क्यों लिखा था कि ये जीव यहाँ तक आकर संतुष्ट होकर लौट जाए, तब यहाँ क्यों कहा कि जिस ज्ञानी के आत्मा की रुचि और धर्म हुआ उसके जीवन में ये व्यवहार पाया, तो ये ऐसी निश्चय के साथ व्यवहार की संधि, गजब की बात। अपन को आज उत्तम क्षमा के लिए थोड़ा समय देना, पेज नंबर है इसमें निकालो 289 पेज 289 पर भी है नीचे धर्म के 10 लक्षण। उत्तम क्षमा मारे दो आर्य भाव है, सत्य सोच संयम त्यागे उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे है, चौगति दुख ते काड़ी मुक्ति करे तारे। आत्मज्ञानियों द्वारा लिखी गई पूजा है, 250-300 वर्ष हो गए, ज्ञानत राय जी बहुत प्रसिद्ध रचनाकार। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव क्या है, भाव। सत्य सोच संयम तप त्याग क्या है, उपाव। और रिजल्ट क्या है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार। और उद्देश्य क्या है, चहुगति दुखते काढ़ी मुक्ति, चार गति के कष्टों से निकालने वाला है यदि कोई तो ये आत्माश्रित वितरागी धर्म, रत्नात्रय धर्म। धर्म की कितनी परिभाषा, सबसे ये कार्य की अपेक्षा है ना, उसमें 4-5 परिभाषा। बत्तु सहावो धम, पहली परिभाषा क्या है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। फिर अष्ट पावण में आता है ना, दंशन मूलो धम्मो, दर्शन पावण क्या है, दंशन मूलो धम्मो, दर्शन यानी सम्यक दर्शन धर्म का मूल। फिर प्रवचन सार 7वीं गाथा में आता है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही साक्षात धर्म। फिर 10 लक्षणो धम्मो, 10 लक्षण धर्म, उसी को रत्नात्रय धर्म कहते, कभी उसे जीव दया कहते, कहीं भी अहिंसा परमो धर्म कहते। सबका एक ही मंतव्य, सब आत्माश्रित प्रकट हुई निर्मल परिणति का नाम धर्म। तो धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव को ही धर्म कहते। लोक में जितने पदार्थ हैं वे सब अपने अपने स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं, यदि स्वभाव का नाश हो जाए तो वस्तु का स्वभाव हो जाए। ये कितनी बड़ी लाइन है कि स्वामी जी कहते थे कि अभव्य भी हो, कसाई भी हो, महापापी हो, भोगी हो, व्यसनी हो, सत्य व्यसनी हो, तो भी वो भगवान आत्मा है क्योंकि इसका स्वभाव कभी छूटता। ये बेस है स्वामी जी के पास, ये आधार,
कि वत्सु का स्वभाव जब धर्म और स्वभाव कभी छूटता नहीं है तो धर्म कब छूटा हो? बहुत बड़ा हृदय हो जाता है, बहुत विशालता आ जाती है जब तक तो समझ लेता है। उसे जेल में भी गुरुदेव को भगवान दिखे, गाली देने वाले भी, काला झंडा दिखाने वाले भी। अभी अपने बाकलीवाल जी आए और इंदौर के बहुत से लोग आए, उनको सब पता है कि इंदौर में आने पर गुरुदेव का क्या हाल, कैसे लोगों ने उनकी सुरक्षा की और पुलिस वालों ने आदर किया। कितना महान संत है, ये कुछ बोलते ही नहीं। ये कहते भैया हमें किसी को नहीं समझाना, यदि आपको नहीं सुनना है हम चले। और पुलिस वालों ने बस कहा कि तुम जैन जैन को नहीं पसंद करते, अब तुम्हारी सभा होगी तो हम बताएंगे। और वे सब गए, क्षमा मांगी, बाद में लाए। ये सब हमें मनोहर लाल जी काला वहां के बड़े बड़े पुरुष हुए, उन्होंने बताई ऐसी घटना के हम सामने आ गए कि गुरुदेव को पत्थर न पड़े। ऐसे ऐसे जब तक ये तत्व तो नहीं समझता तब तक वो समझता है कि जैसे हम गुरुदेव का अनादर करें। अरे भैया तेरी कसाय से तेरा घात हो रहा, गुरुदेव ने ये विद्या सीख ली थी कि कोई किसी का आहित नहीं करता है, वो अपने परिणाम बिगाड़ के अपना नुकसान करता है। ये बहुत बड़ा कलेजा हो जाता है प्रकट, जैसे धर्म प्रकट। अशोक सम्राट के सेवक ने भैया व्रत करते समय और अंगुली से अंगूठी सोने की हीरा जड़ी निकाली और उसकी नींद नहीं आ रही थी राजा को, और उन्हें पता चल गया कि ले गया। और दूसरे दिन राज दरबार में बुलाया कि बेटा तुम्हारी तनख्वाह यानी वेतन कितना है? कि बाबू जी 5,000 या जो भी रहा हो। तो कितने परिवार में लोग? कि 10। अरे मेरी बहुत बड़ी भूल है, चोरी इसलिए करना पड़ी कि तेरे घर में उतना नरवा नहीं होता, ये मैं अपराध। इस समझ में कैसे आए जगत के जीव? चोरी वो कर रहा है और इन्होंने वेतन बढ़ाया, किस बल से? निर्णय लिया, न्याय लिया, इसको जरूरत कैसे पड़े? बच्चे ने फूटा चना लेके उठा के भागा और सेठ ने पकड़ा और पुलिस के जुम्मे की, पुलिस ने थाने में डाला, थाने ने जज के सामने खड़ा और जज ने पूछा बेटा तूने चोरी की है? कि जी चोरी की है। तो चोरी क्यों की? कि मैं भूखा हूं 3 दिन से। तो भूखे क्यों हो? पैसे में खरीदते ना, कि पैसे भी नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? काम करते कि काम भी नहीं लगाते लोग, छोटे बच्चे हैं काम पे, तो माँ बाप नहीं कमाते कि माँ बाप दोनों कोरोना में चले गए। अब चोरी करना पड़ी, चोर नहीं है वो। जज ने जैसी सुना अरे रे इसी ऐसी इस अवस्था में इसको चोरी भूख सहन नहीं। जज की आंख में आंसू आ गया और उसने अपने पास $10 निकाले और सबसे कहा जितने वकील हैं इसकी सेवा करो, ये बच्चा चोरी नहीं करना चाहता पर हम इसे चोर बनाते। इसलिए सेठ ने ये नहीं देखा कि भूखा इसलिए चोरी कर, ये देखा कि चोरी कर। एक बार हकीकत का पता चल जाए फिर आप क्रोध करके बताओ। ये तो जब जीव को पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा, ये गुस्सा आ कैसे रही? क्रोध का आधार अज्ञान बताया, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी। ये बात समझ में आ जाए कैसे करोगे कैसा? द्रौपदी यानी पूरा जनागम भरा पड़ा, प्रथमान युग के उदाहरण से आप पढ़ सकते हो कि द्रौपदी को द्रौपदी के प्रति कीचक के परिणाम बिगड़े। विराट राजा के यहाँ आया साला कीचक और उसने देखा द्रौपदी बहुत सुंदरी है तो उसके परिणामों में विकार आया। उसने कहा कि मैं उस घर में काम करने नहीं जाऊंगा, 14 साल के वनवास की बात है ना जंगलों, तो उसके यहाँ काम में नहीं है। एक व्यक्ति है उसकी निगाह ठीक। तो भीम ने कहा कि आप तो बोलना कि मैं आपसे मिलने तैयार हूं और इस क्षेत्र में पहुंचा। और भीम धोती पहन के पहुंचा, साड़ी पहन, और उस व्यक्ति कीचक को बुलाया और इतनी मार मारी कि उसे सम्यक दर्शन। उसमें लिखा कि मार खाने से सम्यक दर्शन का संबंध क्या? मुक्का खाए भीम को कीचक, सम्यक दर्शन धारो, निमित्तन को कछु ना पतियारो। अपन को लगता है कि मुक्का खा के वो नरक में पीटक पिटके और वहां भी सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि ये सम्यक दर्शन पिटने नहीं पिटने से नहीं होता, रुचि से होता है। ये प्रतिकूलता अनुकूलता से संबंधित नहीं है, ये तो जीव को जरूरत हो कि मुझे आत्मा देखना है। आत्मा की रुचि कर सकता है नरक में, साथ में नरक में भी कर सकता,
तो बहुत दुख हुआ कि श्री मेरे राज घराने के इतना बड़ा परिवार का छत्री वो मेरी गंदी प्रणाम कैसी हुई। और उसने जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और वो दीक्षा धारण करने के बाद वो एक जो यक्ष देख रहा था सब, उसने परीक्षा करने के लिए द्रौपदी का रूप बनाया और कहा कि मैं अभी तैयार हूँ आपके साथ। और उसे उसी समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति समझ में आता है। जैन शासन का कलिजा देखो, एक बार हकीकत समझ में तो आए पर उसे केवल ज्ञान में देखा कि ये मेरी माँ थी पहले, और ये माँ का ज्ञान नहीं हुआ तो वो राग कन्वर्ट होकर किस रूप में आया, पत्नी के रूप। माता मरकर पत्नी होती, पत्नी मरकर माँ हो जाती है। ये विचित्र संसार हम जिसको देख रहे न जाने वो किस रूप में था पहले और अब किस रूप में अपन उसका उपयोग। ये बात समझ में आए पर क्रोध करके बताना, श्रेणी को ये पता नहीं था कि ये मुनिराज भगवान है और उसने उपसर किया, परंतु इसका उपसर का फल किसे मिला, मुनिराज का तो कुछ बिगड़ा नहीं। कसाई किसे उत्पन्न हुई, खुद ही को तो दुखी कौन हो। गजकुमार के सिर पर सिगड़ी लगी और सिगड़ी से सारा शरीर जल रहा और वो मोक्ष प्राप्त कर रहा। और शास्त्रों में लिखा है कि दिखते हैं जलते हुए गजकुमार और सचमुच में जल रहा था वो सोमिल श्रेष्ठ। सुना ये बात सिर्फ जैन सरसन बता सकते कि ये जीव को पता चल जाए एक बार कि अरे मैं ज्ञाता हूं, मेरा आज तक किसी ने अहित किया ही नहीं है, कर सकता ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, स्वयं किए जो कर्म शुभा शुभ फल निश्चय ही विधि विनिमित। और हमने किसे किसे शत्रु बना। अभी देखो दो देशों में लड़ाई चल, कभी विचार करोगे ना आप तो आपकी कसाई चली जाए कि ये उसे मार रहा है ये उसे मार रहा है। सच पूछो तो कोई किसी को नहीं मार रहा है। राम न मारे काऊ को, पापी नहीं है राम, आपने मर जाते हैं कर कर खोटे काऊ। जिनकी जैसे उदय आते हैं उनके सामने वैसे संयोग खड़े हो जाते हैं। ये प्रकृति के धर्म को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उत्तम क्षमा का दिन है आज के दिन, यदि हम उन परिचय सहने वाले उपसर्ग जयी मुनिराजों का भी चिंतन करें तो चरणान युग आपको धन कहता है। पढ़ो आप समाधि पाठ धन तो तुम्हरी जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव सुकमाल सुकौशल गज कुमार 32 राजा की राजकुमार श्रेणी सुत गंगा में डूबो, सारी लंबी लिस्ट है। अपना हृदय भिंगो कि संसार में कोई दम नहीं, इनने किसी को दोष नहीं लगाया। गुरु गोपाल दास भरैया कैसे रहते थे, वो भी तो श्रावक थे और ठंड के दिनों में मंदिर से 11 बजे 10 11 बजे आ रहे और पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला और पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाया और कहा कि पिताजी बहुत दुबले पतले हैं और अभी चक्कर आ गया गिर गए तो क्या होगा, आप दरवाजा भी नहीं खोल रहे कि उनको मंदिर में रहने दो, उनका घर मंदिर बोलो जाओ। किसी तरह से दरवाजा खोला तो उन्होंने अच्छे लेक्चर दिए, खूब गालियां सुना तो पंडित जी ने अपना नजर नीचे कर और कह ये भूल नहीं रहे तो और भड़काने के लिए ठंडा मटके का पानी ठंड के दिनों में लिया पंडित जी के ऊपर और तो पंडित जी को फिर भी हंसी आई, क्रोध नहीं आया। तो बोले तू सचमुच में प्रकृति के न्याय को नहीं भूलती है, पहले गरजी फिर बरसी। और नीरिय समझती अपने कपड़े बदल करके पंच परमेष्टि का स्मरण करके अरे अपन को लगता कि पत्नी दुष्ट है, सचमुच में वो वैराग्यदायिनी है क्योंकि ये जीव पिघलता नहीं, राग में फंसा हुआ है। कोई तो है जो उससे कह रहा है कि अपने को देखो, अपने को देखते तो काई को शादी में पढ़ते, काई को संसार में पढ़ते, कब का कल्याण। उत्तम क्षमा का दिवस है पार्श्वनाथ से, पूछो कि आपको कैसे राहत मिलती। उसमें लिखा कल्याण मंदिर से क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमम नरस्तो, हे प्रभु आपने तो क्रोध को बहुत दिन पहले छोड़ दिया था। धस्ता सदा बद कथम किल कर्म चौरा, फिर आपने कर्म रूपी चोरों को कैसे नष्ट किया हो। एक प्रश्न है कि जब गुस्सा आती नहीं मुनिराजों को और वो कर्म नष्ट करते हैं तो क्रोध के बिना तो लड़ाई होती नहीं, नष्ट तो करते नहीं, तो फिर भगवान मां पार्श्वनाथ ने कर्मों को नष्ट कैसे किया। तो इतना अच्छा उत्तर दिया कुमुद चंद्राचार्य देव ने, अरे भैया तुमने आग में ईंधन जलते देखा है पर कभी देखा ठंड पड़ती है जोरदार तो उस समय तुषार में हरी भरी फसल जल जाती,
तो ठंडक में भी ये कर्म दूर हो सकते हैं। ये बात तो सिर्फ जैन शासन बता सकते। शांत रहना भी एक संसार के कर्मों के अभाव करने का बहुत बड़ा उपाय। ज्ञाता दृष्टा बहुत बड़ी कला। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह विनस जाए। थोड़ी दो चार लाने पर पढ़ के समाप्त करते हैं। आप खूब पढ़ना, इसे अपने घरों में ले जाना। आज देखो कितने तरीके से क्षमा कैसी जीती जाती ज्ञानियों के द्वारा, इसको पढ़ना। 289 पढ़ रहे। उत्तम क्षमा गुण के स्वरूप का वर्णन करते। क्रोध भैरी का जीतना वही उत्तम क्षमा। कैसा है क्रोध भैरी? इस जीव के निवास स्थान जो संयम है, संतोष भाव है, निराकुलता भाव है, सम्यक दर्शन के परिणाम है, ये सब रतन श्रेष्ठ गुण कहलाते। और इन सब को जलाने में एक काम करते। क्या कह रहे? अपन को समझ में नहीं आता कि रावण ने अपना नुकसान किया है कि सामने वाले का किया है, किस है? बाली मुनिराज तपस्या कर रहे कैलाश पर्वत, और उनका विमान जा रहा था, वो रुक गया। तो वो रुका, उसे जाना कि किस कारण से रुका। मेरे विमान को रोकने की ताकत किस में? विद्याधर था। तो नीचे उतर के देखा 72 जिन्मंदर, वो बाली मुनि और असंख्यात श्रेयंश जानवर पेड़ पौधे और सब थे। उसे अच्छा, इसने दीक्षा तो ले ली पर इसका मान नहीं छू। अब देखना, रावण मानी था और दिखता था बाली, और उसने कैलाश पर्वत उठा लिया, फेंकने जाने लगा। कितना दुखी हुआ, रोने लगा जब उन्होंने बाली मुनिराज ने उस अंगूठे से उस पर्वत की रक्षा की कि अरे जी मंदिर है, अभी सब डूब जाएंगे समुद्र। कहना ये कि क्रोध में अपनी शांति जलती, अपनी क्षमा स्वभाव की रत्नत रहेगी, हानि होती। सब जानते कि दीपान का क्या हुआ। संतोष नष्ट होता है, संयम भाव नष्ट होता है, निराकुलता का भाव छूटता है, सम्यक दर्शन आदि रत्नों का भंडार उन्हें जलाने के लिए ये क्रोध अग्नि के समान यश का नाश करता है। यानी क्रोधी व्यक्ति के पास कोई बैठता है दूर दूर, अपयश कालिमा को बढ़ा, धर्म अधर्म का विचार नष्ट कर देता है। क्रोधी के मन वचन काय अपने वश में नहीं है। बहुत दिनों की प्रीति को क्षण मात्र में यदि कोई कर नष्ट कर सकता है तो उसका नाम है बैर विरोध। यह कैसी अच्छा मिटे, कैसे कैसे मिटे, थोड़ा सा ये विचार करें। सबसे नीचे पढ़ यहाँ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित होने के लिए कहा। उत्तम क्षमा तीन लोक में सार है। उत्तम क्षमा संसार समुद्र से तारने वाली है, रत्नत्रय को धारण कराने वाली है, दुर्गति के दुखों को हरने वाली है। जिसकी उत्तम क्षमा होती है उसे नरक त्रियंश दोनों गतियों में गमन नहीं होता। उत्तम क्षमा के साथ अनेक गुणों का समूह प्रकट होता है। मुनिराजों को तो अति प्यारी उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा की प्राप्ति को ज्ञानी जन तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान लाभ मानते हैं। उत्तम क्षमा ही मन की उज्ज्वलता करती है। क्षमा गुण के बिना मन की उज्ज्वलता तथा स्थिरता कभी नहीं होती है। वांछित अभिप्राय की सिद्धि करने वाली एक उत्तम, ऐसे उत्तम क्षमा के विशेषण सब देखते हैं। जिनकी क्षमा भाव होता है अपने यशोधर मुनिराज में चाहे पार्श्वनाथ, इनके प्रति जो भी सामने, जैसे सुरत सागर मुनिराज को चारों बलि नमोची आदि बृहस्पति चारों मंत्री आए थे ना सताने के लिए, वार किया था रक्षाबंधन में, तो वो यक्ष ने चारों के हाथ की सोचना जरा। और जैसे ही मुनीश्वर का सवेरा हुआ और लोगों ने देखा और उनकी निंदा की, तो मुनीश्वर ने कहा रे रे इनका क्या दोष सोचा, ये इतना जानते तो काय को ऐसे कसाई कर, इनको छोड़। वज्रग्रहण को सताने सिंगोदर आ रहा था तो सीता ने देखा कि लक्ष्मण और रावण उसकी राम चोटी पकड़ के राजा सिंगोदर को पकड़ते, तो सीता कहती अरे रे इसको कष्ट होता होगा, ढीला करो छोड़। किसी को नहीं, जिनको आत्मा की रुचि होती है वो सब जीव भगवान देखो। एक छोटी सी कथा कह के विराम लेते हैं। एक चंडवेग राजा की और अभय घोष मुनिराज की कथा अपने इस जो समाधि पाठ है ना उसमें आता। तो काकंदी नगरी में अभय घोष नाम के मुनि थे, तो वो पहले राजा थे, धर्म की उतनी रुचि नहीं। और एक किसान बहुत बड़ा कछुआ एक लकड़ी पर लटकाए हुए चारों पैर बांधे हुए लटकाए हुए चला रहा, और ये तलवार लिए घूम रहे थे, पत्नी के साथ थे।
और एकदम सनक ऐसी सूझी कि उसके चारों पैर काट दिए। मतलब क्या लेता हूँ जानवर, अपने यहाँ के बच्चे तो किसी चीटे को भी नहीं मान, पर शिकारी परिणति रही होगी जैसी भी हो, उसने चारों पैर काट दिए और वो तड़पता हुआ मर गया। परंतु आश्चर्य ये कि उसी की रानी के गर्भ में आ गया और उसे ये नहीं पता कि कौन है, और उसने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, बहुत राजाओं को बुलाया, बड़ी पार्टी दी और जन्मोत्सव मनाया। कालांतर में उसे वैराग्य के ऐसे कारण मिले कि उसने अभय घोष जी ने दीक्षा, और बहुत देश विदेशों में घूमते हुए जब लौट के अपने ही नगर की तरफ से निकले काकन्नी नगर, तो बाहर नगर के बाहर किसी चट्टान पे बैठे और उनका बेटा चंड भी घूमता हुआ वहीं से निकले। देखो ना प्रकृति में कैसे कैसे सेटिंग होती है कि जिसने उन्हें मारा वो उनके योग बनेगा फिर से उनके पास, तो वो लड़के को वहीं से निकला और उसने देखा अरे ये तो पिताजी मुनि दशा में यहां से निकले। उसी समय उसे जाति स्मरण हुआ कि मैं कछुए की पर्याय में और मैं तड़प तड़प के मरा और ये मारने में ये व्यक्ति का मेरी जान कैसे गई। अब जिस लड़के का इतना बड़ा जन्मोत्सव मना रहे हैं वो लड़के को राज दे के गए हैं और वो लड़के ने निकाली तलवार और न पिता दिख रहा तो न मुनि दशा दिख रही और न इसके फल में मैं कहां जाऊंगा ये फल दिख रहा। क्रोध इतनी हावी हुई कि उसने दोनों हाथ दोनों पैर काट दिया। कथा क्या कहना है, ये कहना है कि अपने परिणामों का फल आए बिना रहता नहीं है। माता जी के वचन है ना कि यदि भावों का फल ना आए तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए, इसलिए भैया कदम कदम नरक रख के रखना, क्योंकि अपने भाव से अपना बिगाड़ होता, किसी सामने वाले का बिगाड़ नहीं होता है। इतनी लंबी यात्रा है अपनी, सदा सुखदास जी जिनका ये ग्रंथ है इनके कांड से प्रसिद्ध हुआ, इनको 8 रुपए वेतन मिलते और सारे लोगों के वेतन बढ़ गए थे और लोगों ने शिकायत की क्या करते रहते पढ़ते रहता है और ये हिसाब किताब लिखने का काम करते। राजा ने छिप करके लिखवाया, बराबर सब काम व्यवस्थित था, तो पूछा कि आपका वेतन 8 रुपए सबके तो 4 गुने हो गए, पर आपने कभी मांगा नहीं कुछ नहीं कहा कि जरूरत क्या, इतने में भी 2 रुपए बच जाते। यदि बोले राजा साहब आपसे बहुत खुश है और आपको कुछ देना चाहते, आपकी भी राशि बढ़ाना चाहते, यदि राजा मेरे प्रति बहुत प्रसन्न है तो उनसे एक विनय ये करना कि मुझे 8 घंटे की जगह 4 घंटे काम लें, तो मैं जितना शेष बचेंगे उस सरस्वती की गोदी में बिताऊंगा तो मेरा जीवन 68 वर्ष की उम्र। किसा जैन शासन सुने तो अपना हृदय भींगता है कि ऐसी ज्ञानियों ने पैसे की तरफ नहीं देखा, आत्मा का कल्याण किया, ऐसे पवित्र पर्व में अपने जीवन में भी कोई शत्रु मित्र ना देते, सब अपने अपने कर्म के प्रेरे हैं, अपनी यात्रा पर हैं, जिसने जो बंद बांधे हैं वो बेचारे सामना कर रहे हैं। अपन को तो कोई गाली देता हुआ भी दिखे, गाली सुन मन खेदनानो गुण को अवगुण कहे आनो, कितना कितना गुरुदेव के बारे में जीवन में सोचो तो उत्तम क्षमा के 50 और 100 उदाहरण मिले उन्हें कीजिए। कहे आनो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे घर ते निकारे तन विदारे, फिर क्या लिखा वेर भी जो ना तहां धरे, जी करम पूरब की कोटि सहे क्यों नहीं।